So hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another vlog and I hope all of you guys are doing extremely well. So a very happy Ganesh Chaturthi to all of you guys. और इसीलिए मैं एकदम एथनिक वेयर में आ गई हूँ और फर्स्ट टाइम एवर मैं ऐसे ब्लॉग भी कर रही हूँ. आज मम्मी बहुत खुश है मेरे ऊपर क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट मराठी मुलगी लग रही हूँ, एकदम टिकली विकली लगा के. तो ठीक है, एकदम फेस्टिव वाइब्स देने के लिए मैंने किया है, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल पहनती नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. टुडेज़ व्लॉग, मतलब मेरे घर पे यूजुअली गणपति बैठता नहीं, यूजुअली मतलब बैठता ही नहीं है मेरे घर पे गणपति, बट हमारे सोसाइटी में गणपति होता है 5 दिन के लिए. सो मैं आप लोगों को वही सारा प्रिपरेशंस और गणपति बाप्पा और पूरा डेकोरेशंस एंड ऑल बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज़ व्लॉग. तो अभी बेसिकली मेरी बहन मोदक बना रही है और वो एकदम प्रो है मोदक बनाने के लिए, तो हम उधर जाएंगे और वो मोदक देखने वाले हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, एकदम दिल से आप लोगों को थैंक यू क्योंकि माई चैनल हैज़ क्रॉस्ड 10,000 व्यूज़ और अभी मैंने 2,500 व्यूज़ का किया था और अभी 10,000 व्यूज़ हो भी चुके हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग गाइज. सो चलिए अब देखते हैं मोदक. सो पहली बात तो मैं आप लोगों को मेरी सिस्टर दिखाती हूँ. वैसे तो आप लोगों ने इसे देख ही लिया होगा जो ऐसे कर रही थी प्रीवियस व्लॉग में. तो यही है वो, बेसिकली ये अभी मोदक बना रही है और ये बहुत ज्यादा मास्टर है मोदक बनाने में और ये मोदक खाने में, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता मोदक तो मैं खा ही लेती हूँ क्योंकि तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया. इसलिए अभी ये व्लॉग का एडवांटेज ले रही है, सब लोग एकदम कंप्लेंट वाला व्लॉग बनने वाला है. सो लेट्स सी, तुझे मैं चैलेंज देती हूँ, अगर तू बना पाई मोदक तो मैं तुझे मान लू. क्या मोदक बनाऊ, मुझे आता ही नहीं है बनाने के. ट्राई करना, ट्राई तो तुझे कभी किया ही नहीं है इसलिए नहीं आता. मतलब तू मुझे चैलेंज कर रही है. यस ठीक है, फिर अभी एक मोदक तो बनाना पड़ेगा, वो कैसे भी होने तो मैं खाऊंगी. ठीक है, तो अभी हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे, बट मैं इसे रेफर करके बनाने वाली हूँ क्योंकि ये प्रो है तो उसे हम पीछे नहीं छोड़ सकते, बट विल ट्राई टू मेक इट. ओके, ऑफकोर्स देख के ही बनाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. पहले फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट ये ले हाथ में, तो इसे सारण बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. तो वो हमें मोदक में लेना है और उसके पेटल्स बनाने, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो वो हम सीखने वाले हैं. डिफिकल्ट है सीखने का, इजी कुछ सीखने का नहीं. ठीक है, इजी भी नहीं आता है लेकिन ये तेरे लिए कम नहीं था वाला. अरे ये गिर भी नहीं रहा, अभी मोदक भी खुद नर्वस हो गया है कि मैं बनाने वाली हूँ, वो सारण गिर ही नहीं रहा. ऐसे एक साथ कर, ये देख ऐसे कोशिश करने वालों की हार नहीं है. मैं जीती फिर क्या मिलेगा मुझे, तूने चैलेंज किया तो मोदक खाने मिलेगा, तो तू नहीं बनाए. एकदम अद्भुत गिफ्ट है इसका, तो अद्भुत एकदम, ऐसे लग रहा है किसी छोटे बच्चे ने बनाया मेरा मोदक. आपको दिखा दू, तो अभी मैं आपको दिखा दी हूँ मेरा मोदक. तो ये मेरा मोदक है, पर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करके किया. ये हर वक्त मुझे टॉन्ट मारती थी हर गणेश चतुर्थी में, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम किया और ये मम्मी को भी मैं दिखाने वाली हूँ मेरा फर्स्ट मोदक, उसका रिएक्शन देखने के लिए. तेरा रिएक्शन क्या है? अच्छा है, फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा किया, आई विल गिव 4 out of 10. तो ये अच्छा है, ये इज्जत निकालती है. फर्स्ट ट्राई थी ना इसलिए. ठीक है, तो मैं अगर जीत गई हूँ तो ये मोदक इसे खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ट्राई किया. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर का सारण तो मम्मी ने बनाया तो टेस्ट तो अच्छी रहेगी. ठीक है, मैं मम्मी को दिखाती हूँ. तो अभी ये पूरे मोदक रेडी हो चुके हैं और ये जो दोनों है ये मैंने बनाए हैं जो एकदम अलग लग रहे हैं सब में से, तो अभी ये मैं मम्मी को दिखाने वाली हूँ. मम्मी हाँ,
तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मोदक ट्राई किया है, तो हर वक्त बोलती थी कि मैं ट्राई नहीं करती, बट आज मैंने फर्स्ट मोदक बनाया है, तुझे कैसा लग रहा है? अरे मस्त, मेरा भी इतना अच्छा नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम बनाया तो। सच बता, झूठी तारीफ मत। अरे सच्ची बोलती है। तो ठीक है, तू ही खा लेंगे। हाँ खाएगी ना। ठीक है, मम्मी को पसंद आ गया। तो फाइनली अब सब तैयारी हो चुकी है और हम नीचे जाने वाले हैं पापा को देखने। तो मैं तो कल गई थी और मैंने देखा था थोड़ा बहुत, बट डेकोरेशन थोड़ा बाकी था तो मैंने भी कंप्लीट ऐसे देखा नहीं है। तो मैं भी अभी देखने वाली हूँ कम्प्लीटली और आपको भी दिखाने वाली हूँ। बट थोड़ा सा ऐसा नर्वस लग रहा है मुझे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लोग होंगे और सिंस मतलब ये जो पहचान वाले लोग हैं, मुझे अनजान इतना कुछ लगता नहीं, बट पहचान वाले ऐसे देखते हैं बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा नर्वस फील हो रहा है। बट कोई नहीं, क्योंकि ये मोमेंट्स फिर से आने वाले नहीं है, तो मुझे अभी अच्छे से आप लोगों के साथ ये शेयर करना है और दिखाना है। तो हम जाएंगे नीचे और असली मज़ा तो तब आता है जब कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और इस टाइम कोविड सिनेरियो थोड़ा कम है इसलिए कॉम्पिटिशन्स भी होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं वो ट्राई करूँगी लेना, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साल बाद फाइनली हम अच्छे से गणेश उत्सव मतलब सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बट इतना भी कोविड फ्री नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्लीज़ ट्राई करो कि आप इको फ्रेंडली गणेश उत्सव सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम ही यंग जनरेशन है और नेक्स्ट जनरेशन भी है। प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस स्टेप। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसका यूनिकनेस ये है कि ये जो पूरा है वो पूरा पेपर के फ्लावर्स से बनाया गया है, जिसमें मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 फ्लावर्स बनाए होंगे, क्योंकि आर्ट्स में तो मैं एकदम अच्छी हूँ वो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ कोऑपरेट किया नहीं है, थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है उतना ही मैंने किया है। और ये पूरा मैं डेकोरेशन आपको दिखाती हूँ, और ऐसे लग रहा है बहुत सालों बाद कि फिर से ऐसे गणपति बचपन का आ गया है, क्योंकि मतलब एक साल बाद फिर से डेकोरेशन भी चालू हुआ है यहाँ पे, गए साल तो इतना कुछ था नहीं। और यहाँ पे प्रसाद भी है, वो देखने के बाद मुझे वही याद आया कि जब हम बच्चे थे तब हम प्रसाद मतलब जो देते हैं उसके लिए हम लोग नीचे बैठते थे, और आधा तो उसका हम लोग ही खाते थे और फिर भी हम लोग कंप्लेंट करते थे कि प्रसाद खत्म हो गया है। बट आज अच्छे तरीके से है, क्योंकि नीचे इतने ज़्यादा बच्चे नहीं है और मेरा लग भी इतना अच्छा है कि सब लोग अभी चले गए तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया बोलने के लिए। तो अभी मैं आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाती हूँ। हो चुके हैं और इतना ज़्यादा टाइम मेरे वीडियो के वजह से हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी आना था और वो मोदक वाला चैलेंज भी मैंने किया था, और अभी बहुत कम लोग हैं नीचे। और मेन चीज़ ये है कि अभी तक कैरम नहीं लगाया है, और ये है कैरम इधर रखा है, और अगर वो चालू होता तो मैं मेरे कुछ आइकॉनिक शॉट्स आपको दिखाती, क्योंकि यहाँ पे नीचे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कैरम के ऊपर से, क्योंकि मेरे पापा है ना बहुत अच्छा कैरम एकदम एक्सपर्ट है और मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, और एकदम बकवास खेलती हूँ। पर अभी कैरम चालू नहीं है, जब चालू होगा तब अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली अभी मोदक मेरे पेट में जाने वाला है, मोस्ट अवेटेड।
सच में अच्छा बना रहे, थैंक्स टू माई सिस्टर। और पता है हर वक्त जब गणपति रहता था मेरे बचपन में, मैं खाना खाती थी तभी वो ओ माई फ्रेंड गणेशा आई थिंक मूवी का नाम था, वो हर साल आती थी और मुझे वो मूवी इतनी पसंद है कि मैं क्या बोलूँ। पर अभी पता नहीं क्यों वो मूवीज़ अभी दिखाते ही नहीं है कौन से भी चैनल पे, और अगर दिखाते होंगे तो भी मैंने बहुत सालों से देखी नहीं है, तो आज मैं मिस कर रही हूँ उस मूवी को। पर ठीक है, टाइम चेंजेस एवरी टाइम क्या बोल रही है। सो थोड़ी थोड़ी सुस्ती आना चालू हो गई है मोदक पेट में जाने के बाद, तो मेरा सोने का टाइम भी कहीं बातें जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। सो इट्स टाइम फॉर मी टू एंड दिस ब्लॉग हियर इटसेल्फ। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, एंड अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू गाइज वंस अगेन, आणि गणपति बाप्पा बोलूया। I'll see you guys in the next one. Bye. और इस कौवे को मुझे पेट बनाना है, जिस हिसाब से ये हर व्लॉग में अटेंशन ग्रैब कर लेता है कुछ तो करना पड़ेगा।